और फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स। सभी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर नेक्स्ट जो यूनिट है उसको आप अपलोड करिए, तो आज हम छठा अध्याय आपके लिए लेकर आए हैं रासायनिक अभिक्रियाएं व उत्प्रेरक। इसके अंदर हम निम्न प्रकार के टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिवर्तन, जो कि दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। उसके बाद हम रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं और रासायनिक समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के हमारे ये टॉपिक रहेंगे जो हम आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें परिवर्तन की, तो नॉर्मली दो टाइप के परिवर्तन होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। सबसे पहले देखिएगा कि जो भौतिक परिवर्तन है वो क्या होता है, इसको समझिए। जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, तो उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल, भौतिक अवस्था का तात्पर्य क्या हुआ? भौतिक अवस्था से मतलब है रंग, गंध और अवस्था। रंग, गंध और अवस्था ही भौतिक अवस्थाएं होती हैं। अगर ये पदार्थ के अंदर परिवर्तित होती हैं तो हम बच्चों क्या कहेंगे कि वो भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा अगर हम बात करें भौतिक परिवर्तन के अंदर, तो भौतिक परिवर्तन के अंदर आगे बात करते हैं। जब कभी भी बच्चों भौतिक परिवर्तन होता है तो प्रारंभिक पदार्थ का पुनः निर्माण हो जाता है, प्रारंभिक पदार्थ का पुनः निर्माण हो जाता है। ये बहुत अच्छा यहां पे फैक्ट है, प्रारंभिक पदार्थ का पुनः निर्माण, यही अंतर करता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के अंदर। दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम रासायनिक परिवर्तन में यहाँ बात करते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बात करें तो रासायनिक गुणधर्मों में भी परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है। चलते चलते आप नोट्स बना सकते हैं, जितने ज्यादा अच्छे से नोट्स बनाएंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। तो रासायनिक संगठन में और रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे कि यह रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो यहां पर वापस से प्रारंभिक पदार्थ का निर्माण नहीं किया जा सकता, निर्माण नहीं किया जा सकता है। बना क्या? तो यहां पे हम कहेंगे कि सर नया पदार्थ नहीं बना, क्योंकि प्रारंभिक पदार्थ तो वापस से बन रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि ये हमारे पास बर्फ है, बर्फ को जब हमने पिघलाया तो क्या बन गया बच्चों? जल बन गया, पानी बन गया। ये लो, ये जल बन गया। तो जब हमने बर्फ को पिघलाया तो वो जल बन गया, लेकिन जब वापस से इस द्रव लिक्विड जल को आप फ्रीजर में रखोगे तो वो बर्फ बन जाएगा। यानी कि पुनः से प्रारंभिक पदार्थ का निर्माण हो गया, पुनः से प्रारंभिक पदार्थ का निर्माण हो गया। बर्फ प्रारंभिक पदार्थ है, इससे जल का निर्माण हुआ, वापस से इस जल से बर्फ को बनाया जा सकता है, यानी कि प्रारंभिक पदार्थ को बनाया जा सकता है। इसलिए हम यहां से कहेंगे किसी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता है। अब यहां पे देखिए, रासायनिक परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। बच्चों नया पदार्थ बनता है तभी तो प्रारंभिक पदार्थ का निर्माण नहीं किया जा सकता, प्रारंभिक पदार्थ वापस से नहीं बन सकता। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा बच्चों कोयला, क्या लिखा? कोयला लिखा, और जब इस कोयले को गर्म किया जाता है यानी कि जलाया जाता है, जब इस कोयले को जलाया जाता है तो कोयला किस में ट्रांसफर हो जाता है? राख के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि राख को कोयले के अंदर क्या ट्रांसफर किया जा सकता है? तो यहाँ पर आंसर आएगा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, राख से कभी भी कोयला नहीं बनाया जा सकता, यानी कि प्रारंभिक पदार्थ का निर्माण इस अवस्था के अंदर नहीं होगा। तो फर्स्ट केस के अंदर बर्फ से जल का निर्माण, बर्फ से जल का निर्माण, ये तो हमारा हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर बात करें कोयले से राख का निर्माण, तो यहाँ पे बच्चों कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कुछ
कुछ और चीजों को हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के अंदर देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं यहां से। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां पे एग्जांपल लिया था बर्फ का, बर्फ को हमने पिघलाया तो ये जल बन गया, और यहां पे हमने उदाहरण लिया था कोयले का, कोयला जो है वो यहां पे राख बना देता है जलाने पर। अब देखिए यहां पर मैंने जो है वो दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगाया है। दोनों तरफ तीर के चिन्ह का लगाने का मतलब है कि बर्फ से जल बनाया जा सकता है। बच्चों यहाँ पे बर्फ से जल बनाया जा सकता है और वापस इस जल से बर्फ को बनाया जा सकता है। इसलिए जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं? परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोयले से राख बना दी, वापस से इस राख से कोयला तो नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये कैसा परिवर्तन हो गया? ये एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। परिवर्तनों के अंदर आप अगर इतने फैक्ट्स याद रखते हो तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, तो वहां पे आप कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बहुत शानदार उदाहरण है, कागज का जलना, कागज का जलना, और एक मैंने यहाँ पे ही उदाहरण ले लिया कागज का फटना, कागज का फटना। अब बच्चों आपको यहाँ पे ये बताना है कि कागज का फटना कैसा परिवर्तन है और कागज का जलना कैसा परिवर्तन है। अगर यहाँ पे आप कंफ्यूजन में नहीं हो तो आप कभी भी भविष्य में भी कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। कागज का फटना, कागज को हमने फाड़ दिया और फाड़ने के बाद गोंद की सहायता से उसे वापस से जोड़ दिया, यानी कि जैसा पहले कागज था वैसा हमने बना दिया, इसलिए कागज का फटना बच्चों कैसा परिवर्तन है? ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब हम कागज को जला के उसकी क्या बना देते हैं? राख बना देते हैं, तब बच्चों हम क्या कहेंगे कि राख से तो वापस पुराना कागज नहीं बन सकता, यहाँ पे केमिकल चेंजेस शब्द आएगा। इसके अतिरिक्त कुछ और उदाहरण है, जैसे कि यहाँ पे एक और उदाहरण हम लेते हैं, बल्ब है हमारे पास। बल्ब की दो अवस्थाएं लेते हैं, एक तो बल्ब का जलना और एक बल्ब का फूटना। ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है, बल्ब का जलना और बल्ब का फूटना। बल्ब को हमने जलाया, क्या हम बल्ब को जलाने के बाद उसका स्विच बंद नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसका मतलब बल्ब को जला दिया, बंद कर दिया, जला दिया, बंद कर दिया, प्रारंभिक अवस्था में आ गया भाई। बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जला सकते हैं और बंद कर सकते हैं, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में उसको वापस ला सकते हैं। लेकिन जब बल्ब को फोड़ा जाता है, बल्ब का फूटना एक रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि फोड़ने के बाद तो हम पुराना बल्ब नहीं बना सकते। तो ये कुछ बातें हैं जिसको आपको याद रखना है भौतिक परिवर्तन के अंदर और रासायनिक परिवर्तन के अंदर। चलिए आगे हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया से बच्चों क्या तात्पर्य है? जब किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है, जब किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है, और जब किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, ऑल ओवर हम अगर मिला के बात करें तो जब रासायनिक परिवर्तन होता है, बच्चों क्या होता है? जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप कैसे परिभाषित करोगे रासायनिक अभिक्रिया के? कि पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, या पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसको अब हम रासायनिक अभिक्रिया को अणु सूत्रों के माध्यम से, अणु सूत्रों के माध्यम से व प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अणु सूत्रों के माध्यम से वो प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, और जब रासायनिक अभिक्रिया को अणु सूत्रों के माध्यम से व प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे कि पूर्व में हमने एक उदाहरण लिया था कि कोयले को हमने जब जलाया तो राख बनी। अब जब हम इसको रासायनिक समीकरण में ट्रांसफर करेंगे तो अणु सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी,
प्रतीकों की आवश्यकता पड़ेगी। अब कोयले को हम क्या लिखेंगे, कोयले को हम सी लिखेंगे यानी कि कार्बन। अब कार्बन कब जलेगा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, यानी कि कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जलाया जाता है तो राख का निर्माण होता है यानी कि CO2 का निर्माण होता है। अब रासायनिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो ये CO2 बना है, इस CO2 से इस C का निर्माण नहीं किया जा सकता, इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है। और कोयले और इस राख का जो ये अभिक्रिया थी, इसको हमने अणु सूत्र और प्रतीकों के माध्यम से क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, ये रासायनिक समीकरण हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, इसके स्टेप्स क्या है लिखने के। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसको हम क्रमवार अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहला स्टेप देखिए, जब कभी भी रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है तो उसके अंदर हमको ध्यान देना है अभिकारकों का, अभिकारकों का और उत्पादों का, अभिकारकों व उत्पादों का ध्यान देना है। देखिए बच्चों, यहां पर हमने लिखा C+O2 = CO2। अभी हम ये नहीं बता रहे थे, पहले हमने अभी तक ये नहीं बताया था कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, लेकिन आपको ये एक समीकरण फॉर एग्जांपल याद है कि कोयले को जलाया कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर तो CO2 का निर्माण होगा। कार्बन को O2 की उपस्थिति के अंदर जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जलाया तो CO2 का निर्माण हो गया। यहाँ पर ध्यान देना, अभिकारक जो है, इन अभिकारकों को हमेशा तीर के चिन्ह के बाईं तरफ रखा जाता है। हम क्योंकि इधर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा दायां पोर्शन, ये वाला कौन सा पोर्शन हो जाएगा तीर के बाईं तरफ वाला पोर्शन। इसलिए अभिकारकों को तो तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है, जबकि यहाँ पे अगर उत्पादों की बात करते हैं तो उत्पादों को हमेशा तीर के दाईं तरफ लिखा जाता है। ये हो गई पहली बात, जब कभी भी हम एक रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो पहला स्टेप्स आपको यही याद रखना है कि पहले हम अभिकारक लिखेंगे, उसके बाद तीर का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद उत्पाद लिखेंगे। परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि तीर के चिन्ह के किस तरफ अभिकारकों को लिखा जाता है तो बाईं तरफ, तीर के चिन्ह के किस तरफ उत्पादों को लिखा जाता है तो दाईं तरफ, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे बच्चों हमने एक समीकरण लिखा है, इस समीकरण के अंदर जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, ये तीर का चिन्ह है और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये उत्पाद हो जाएंगे। अगर बच्चों यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखते हैं, अभिकारक दो या दो से ज्यादा हो, दो या दो से अधिक हो, अगर अभिकारक दो या दो से अधिक होते हैं तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये अभिकारक हैं और ये अभिकारक हैं। इन दोनों अभिकारकों को जोड़ने के लिए बीच में कौन सा चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। यानी कि दूसरा स्टेप ये होगा कि जब अभिकारकों की संख्या दो या दो से अधिक होती है तो उस कंडीशन के अंदर हम प्लस का चिन्ह लगा के आपस में अभिकारकों को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी बात करेंगे, जब यहां पर हमने ये समीकरण लिखा बच्चों, इस समीकरण के अंदर अगर बात करें हम द्रव्यमान की, अगर हम बात करें द्रव्यमान की तो बच्चों हमेशा द्रव्यमान संरक्षित रहता है। द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है। किस सिद्धांत के अनुसार, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। ये यहाँ पे अभिकारक हैं, ये यहाँ पे उत्पाद हैं। इन दोनों का जो द्रव्यमान होता है, दोनों के द्रव्यमान हमेशा बराबर होंगे, संरक्षित रहेंगे। अगर बराबर नहीं है तो वहां पे आप अभिक्रिया को बच्चों क्या कर दोगे, संतुलित कर दोगे। चौथी बात करते हैं, चौथी बात क्या होगी, अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। अगर द्रव्यमान बराबर नहीं आ रहा है तो वहां पे हम अभिक्रिया को क्या कर देंगे, संतुलित करेंगे। एक प्रश्न NCERT की जो पुरानी पुस्तक है, NCERT की जो पुरानी पुस्तक है, उसके अंदर जब मैंने अध्ययन किया था तो वहां पे एक शब्द आया था कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण।
लेकिन अभी आरबीसी की जो पुस्तक है उसके अंदर ये वर्ड नहीं है। कंकाली समीकरण का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये कंकाली समीकरण क्या होता है। कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण का मतलब होता है बच्चों असंतुलित समीकरण। क्या होता है? असंतुलित जो समीकरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। और इस कंकाली समीकरण को ही हम आगे क्या करते हैं? संतुलित करते हैं, जिससे कि द्रव्यमान का आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम पांचवें स्टेप की बात करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है सी प्लस ओ टू इज इक्व टू सी ओ टू। जब हम रासायनिक समीकरण लिख देते हैं उसके अंदर हम अभिकारक लिख देते हैं, उत्पाद लिख देते हैं, तीर का चिन्ह लगा देते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, इसके अतिरिक्त हम उसको संतुलित कर देते हैं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। इसके बाद रासायनिक समीकरण के अंदर बच्चों ध्यान देना है भौतिक अवस्थाओं का। पांचवा स्टेप किस बारे में बात करते हैं? हम भौतिक अवस्था के बारे में। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को हम अब क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि ये कोयला है, कार्बन है, किस अवस्था में है? एस अवस्था में, ठोस अवस्था में है। ओ टू गैस अवस्था में है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया गैस अवस्था में है। और यहाँ पर सी ओ टू ये भी कैसी फॉर्म में है? गैस अवस्था में है। तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं नॉर्मली हम चार प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं। जब कोई पदार्थ ठोस पोजिशन में है तो हम कहेंगे एस है, जब वहां पे द्रव आता है तो हम कहेंगे एल है, जब वहां पे जलीय विलयन शब्द आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब पदार्थ की स्थिति कैसी है, जलीय विलयन की है, तो जलीय विलयन के अंदर हम यहाँ पे एक्यू शब्द काम में लेंगे। एक्वाटिक विलयन जो होता है, जलीय विलयन, एक्यू शब्द काम में लेंगे। और गैस के लिए सब जानते हैं जी काम में लेते हैं, तो ठोस के लिए एस, द्रव के लिए एल, गैस के लिए जी, लेकिन जब जलीय विलयन आता है तो वहां पे एक्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? कार्बन, यहाँ पे कार्बन के साथ किसने अभिक्रिया कर दी? गैस ने अभिक्रिया कर दी। कौन सी गैस ने? ऑक्सीजन गैस ने। और यहाँ पे क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे हमने इसकी क्या प्रदर्शित कर दी? भौतिक अवस्थाएं बच्चों प्रदर्शित कर दी। आगे चलते हैं छह नंबर में। जब हम भौतिक अवस्थाएं प्रदर्शित कर चुके होते हैं, इसके बाद आखिर में बात आती है ताप की, दाब की, उत्प्रेरक की। तो यहाँ पे बच्चों जो हमने तीर का चिन्ह रखा है, जो यहाँ पे हमने तीर का चिन्ह रखा है, इस तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे हम क्या रखते हैं? ताप, दाब या उत्प्रेरक को रखते हैं। ताप यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर है। क्या है बच्चों? टेम्परेचर, यानी कि किसी अभिक्रिया को घटित होने के लिए कितना टेम्परेचर दिया जाए कि वो आसानी से, शीघ्रता से कम्प्लीट हो जाए, कितना दाब, कितना प्रेशर दिया जाए कि वो आसानी से हो जाए। और उत्प्रेरक दो टाइप के होते हैं, उत्प्रेरक दो प्रकार के डाले जाते हैं सकते हैं। एक तो अभिक्रिया का वेग बढ़ाने वाला, अभिक्रिया का वेग बढ़ाने वाला, और दूसरा उत्प्रेरक होता है जो अभिक्रिया का वेग क्या कर देता है? घटा देता है। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ाने वाला भी उत्प्रेरक होता है और अभिक्रिया का वेग घटाने वाला भी उत्प्रेरक होता है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने की ये कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स थे जिसको हमने अच्छे से समझा। इसके अलावा भी थोड़ा और गहनता में रहता है, लेकिन शुरुआती स्टेप्स के अंदर मैं ये मानता हूँ कि आपके लिए पर्याप्त हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें अगर आप समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। वापस से हम इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। चैप्टर तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हमने इसके कुछ पार्ट्स का अध्ययन किया। सबसे पहले हमने बच्चों क्या पढ़ा? भौतिक परिवर्तन पढ़ा। भौतिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ की केवल भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, जैसे कि रंग में, गंध में या अवस्था में परिवर्तन होता है। प्रारंभिक पदार्थ का वापस से पुनः निर्माण नहीं होता है, जैसे कि ये बर्फ था, ये जल है, वापस से बर्फ कभी नहीं बनेगी। ये परिवर्तन हमेशा उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब है दोनों दिशाओं के अंदर चलता है। उदाहरण के तौर पर कागज का फटना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन यहाँ पे कागज का जलना ये कैसा है? ये एक रासायनिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना ये कैसा परिवर्तन है? ये एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ के रासायनिक संगठन के अंदर रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है। प्रारंभिक पदार्थ का निर्माण कभी नहीं किया जा सकता, यानी कि कोयले से राख बनाई तो राख से कभी कोयला नहीं बन सकता। इसका मतलब ये परिवर्तन कैसा है? अनुत्क्रमणीय, जो कि हमेशा एक दिशा में चलता है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब है ऐसे परिवर्तन जो हमेशा एक दिशा के अंदर चलते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे देखा था कागज का जलना
कागज का जलना यहाँ पे कैसा परिवर्तन था, यहाँ पे ये एक अनुत्क्रमी परिवर्तन था, और बल्ब का फूटना ये भी कैसा परिवर्तन था बच्चों, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन था। इसके बाद हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया को, कि जब पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है, जब पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है या जब पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और नॉर्मली जब रासायनिक परिवर्तन होता है वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया को अणु सूत्र और प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसको हमने अणु सूत्र और प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया तो ये रासायनिक समीकरण हो गया। इसके बाद यहाँ पे स्टेप्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम अभिकारक लिखते हैं, उसके बाद तीर का चिन्ह रखते हैं, उसके बाद उत्पादों को लिखते हैं। अभिकारक अगर दो से ज्यादा है तो वहां पे हम क्या चिन्ह रखते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, क्या ऐड करते हैं, प्लस का चिन्ह ऐड करते हैं। उसके बाद हम द्रव्यमान को संरक्षित, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार करते हैं, अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। कौन सी अभिक्रिया को, जो कंकाली समीकरण होता है, जो असंतुलित समीकरण होता है, उस असंतुलित समीकरण को हम क्या कहते हैं, संतुलित करते हैं। और ये शब्द किस में आया था, ये एनसीईआरटी में, आपके आरबीसी में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। पांचवा, इसका हम भौतिक अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, अगर ठोस है तो हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, अगर यहाँ पे द्रव है तो हम क्या लिखेंगे, लिक्विड एल लिखेंगे, गैस है तो हम जी लिखेंगे, और जलीय विलयन है तो हम क्या लिखेंगे, एक्यू लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे बात करें छठे नंबर पे, हम ताप, दाब और उत्प्रेरक को प्रदर्शित करते हुए कहाँ पे करेंगे, ये हमेशा हम तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे इसको प्रदर्शित करते, किसको, ताप को, दाब को और उत्प्रेरक को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा रासायनिक परिवर्तन पढ़े, भौतिक परिवर्तन पढ़े, इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण को। बच्चों अगर यहाँ से आपको ये वीडियो पसंद आ चुका है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। लगातार जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।